तो फ्रेंड फिर से मैं आज एक बार और लेके आया हूँ आपके सामने उत्तराखंड के रोजगार और शिक्षा से संबंधित जानकारियाँ। तो मेरे साथ आप बने रहिएगा, हम सबका डिटेल में विश्लेषण करेंगे वन बाय वन। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहली न्यूज के साथ, तो जो रोजगार से संबंधित है कि बीपीएड बेरोजगार भूख हड़ताल करेंगे। जैसे आपको पता है कि नई शिक्षा नीति में काफ़ी चेंजेस हुए हैं, जिसके आधार पर लग रहा है कि अब बीपीएड में भी उनको रोज़गार मिलेगी। क्योंकि मैं ये न्यूज़ कवर काफ़ी दिनों से कर रहा हूं और काफ़ी लाइमलाइट में ये न्यूज़ चल रही है कि बीपीएड वालों काफ़ी दिनों से हंगामा करने की कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी उन्होंने कोशिश भी की लेकिन उनकी सुनवाई अभी तक नहीं हुई। तो इस वजह से इन्होंने अब डिसाइड कर लिया है कि ये 2011 से ये बेरोज़गार चल रहे हैं। यार काफ़ी लंबा समय होता है, जिन्होंने बीपीएड किया होगा उनकी तो उम्र और भी निकल गई होगी इस इंतज़ार में कि उन्हें सरकारी नौकरी मिलेगी। तो उत्तराखंड सरकारी स्कूलों में नियुक्ति के लंबे समय से आंदोलन कर रहे बीपीएड एमपीएड के बेरोज़गार युवा अब भूख हड़ताल पर करेंगे। सितंबर पहले हफ्ते में शिक्षा निदेशालय परिसर में आमरण अनशन शुरू किया जाएगा, ऐसा कहना है बीपीएड एमपीएड प्रसिद्ध बेरोजगार संघ उत्तराखंड सरकार का। यार मैं यही चीज़ मैं हर अपने वीडियो में रोज़ का जो मेरा शिक्षा और रोज़गार से संबंधित वीडियो होता है उसमें मैं रोज़ यही चीज़ उठाता हूँ कि जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है उत्तराखंड का, इन्होंने बहुत ही बेहाल कर दिया है। बाकी आप के कमेंट्स और शेयर ही इस चीज़ को बचा सकते हैं। आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर अवगत कराइएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे वाली न्यूज है वो शिक्षा से संबंधित जानकारियाँ कि कक्षा 11 में प्रवेश आप ऑनलाइन कर सकते हैं। यानी कि सरकारी स्कूल के जिन छात्रों ने 10वीं कक्षा उत्तीर्ण कर ली वो 11वीं में ऑनलाइन एडमिशन ले सकते हैं। छात्र ईमेल या किसी अन्य माध्यम से भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बाकी हार्ड कॉपी आप उस स्कूल में या फिर कॉलेज में बाद में जमा करा सकते हैं। यार ये बहुत ही अच्छी बात है कि ऑनलाइन चीज़ें काफ़ी डिजिटलाइजेशन हो रही हैं, बिकॉज ड्यू टू COVID-19 एवरी सिचुएशन इज डल नॉट ऑफ प्रेजवर्दी। तो बहुत ही अच्छी बात है, आप क्या बोलते हैं, एक अच्छी बात होगी तो लाइक के बटन को दबा देना। आगे बढ़ते हैं और इसी के साथ साथ और एक यून ये है कि ये बटन निकल के आ रही है कि 11वीं में इच्छा अनुसार गणित ले सकेंगे। यानी कि अगर आपकी मैथमेटिक्स कमज़ोर है तो अगर आप आगे उसको इम्प्रूव करके अच्छा करना चाहते हैं तो आप मैथमेटिक्स 11th में ले सकते हैं। जिन छात्रों के पास 10वीं कक्षा में स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स नहीं था वो भी इस बार इच्छा अनुसार 11वीं में गणित ले सकते हैं। अगर आप गणित पढ़ना चाहते हैं तो इस अवसर को मत छोड़िएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे ये है कि ऑनलाइन परीक्षण में रुचि नहीं दिखा रहे हैं अभ्यर्थी। यार मैं ये कहता हूँ कि अगर कोविड ने अगर हमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ला दिया है तो क्यों हम इससे पीछे भाग रहे हैं, हमें इसका सामना करना चाहिए। तो कोविड की वजह से डर से कहें या फिर ऑनलाइन परीक्षण का मोह भंग कहें, क्षेत्रीय सेवा आयोजन कार्यालय को कंप्यूटर टाइपिंग और समूह गौ जैसे परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी और परीक्षण के लिए अभ्यर्थी ढूंढने से नहीं मिल रहे हैं। तो यार जैसे कि आपको पता है कि उत्तराखंड बोर्ड सॉरी आयोग ने डेटा एंट्री ऑपरेटर या फिर कंप्यूटरिस्ट आईटी ऑफिसिस्ट की कई वैकेंसीज निकाली हुई, जहां पर उन्हें टाइपिस्ट और उसकी वैकेंसीज के लिए आपको एग्ज़ाम देना होगा। तो आप जाइए, आप उसको अपने प्रशिक्षण करिए, जबकि निःशुल्क आपको ये सेवा आयोजन कार्यालय दे रहा है। तो आपको पता है कि प्रशिक्षण 10 अगस्त को साक्षात्कार निर्धारित किए गए थे लेकिन निर्धारित 30 सीटें नहीं भर पाए। तो आप लगा सकते हैं कि 30 सीटें, अगर यही चीज हालात अगर सामान्य होते तो ये 30 सीट के लिए मैं दावा कर सकता हूँ 30,000 नहीं तो कम से कम 300 आवेदन जरूर आते। तो बाकी आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे जो हमारी न्यूज है वो ये है कि HNB से अशासकीय कॉलेजों की समस्या खत्म करने का विरोध होगा। जैसे ये न्यूज़ हमने कल कवर की थी, आपको बताई थी कि उत्तराखंड की जो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी, वो 17, 21, 22 से जितने भी उसके एडेड कॉलेज हैं लाइक DAB हो गया या फिर और जो अशासकीय कॉलेज हैं उनको अपनी मान्यता नहीं देने के बारे में संबंध में घोषणा की थी। इस बारे में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने पत्र जारी किया था कि विश्वविद्यालय 2021-22 के लिए यह कार्रवाई की है, जिसका विरोध शुरू हो गया है। उत्तराखंड राज्य निर्माण का आंदोलनकारी सम्मान परिषद के पूर्व अध्यक्ष रविंद्र जुगरान ने रविवार को मुख्यमंत्री
त्रिवेंद्र रावत को पत्र भेजकर MHRD की इस ओर से लिए गए निर्णय को वापस लेने की मांग की है। बाकी आप क्या सोचते हैं कि आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी गढ़वाल की डिग्री चाहिए DAV में पढ़ते हुए, या फिर DAV की डिग्री चाहिए आपको, तो आप मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारी न्यूज है वो जॉब से लेकर संबंधित है। काशी में, यानी कि उत्तराखंड काशी में NDTP, ये आप मत समझिएगा, ये है NDTP फूड्स प्राइवेट लिमिटेड हिमालयन फूड पार्क महुखेरा गंज काशीपुर उत्तराखंड में। ये जो कि एक फ्रूट्स और वेजिटेबल डिहाइड्रेशन और कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर स्टोरेज यूनिट के लिए इसको विभिन्न तरह की स्टाफ की ज़रूरत है। इसके बारे में हमने एक डिटेल वीडियो बनाया, आप उसका इंतज़ार करिए, कल सुबह आपको डिटेल वीडियो मिल जाएगी। बाकी आप अधिक जानकारी के लिए इनके वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जो एक बहुत अच्छी न्यूज मुझे लग रही है कि बोर्ड की 12वीं में 92% और 10वीं में 98% लाने वाले छात्रों को सम्मानित किया जाएगा। यार मैं ये कहता हूँ, बहुत अच्छी बात है आप सम्मानित कर रहे हो, लेकिन यार अगर जिसने 80% लाए हों तो क्या वो इंटेलिजेंट नहीं है? क्या वो पढ़ने में अच्छा नहीं है? आप क्या सोचते हैं, ये विचार अच्छा या नहीं है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये विचार उतना अच्छा नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो क्राइटेरिया आपने रख दी ना कि इंटर में इतना, हाई स्कूल में इतना, तभी होगा तो अभी आपको हम सम्मानित करेंगे। तो बाकी यार आपकी क्या विचार है कमेंट सेक्शन में बता देना। यार वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दो। बाकी मुझे इंस्टा और ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो, लिंक और फ्लैश दोनों आपको सामने दिख रहा होगा। थैंक यू।